हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट बीटरूट उपमा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है और बिल्कुल झटपट मिनटों में ये ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके पास समय कम हो और कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाने का मन हो तो आप झटपट इस बीटरूट उपमा की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हमने गैस ऑन कर एक पेन रखा है और इसमें हम डालेंगे 1 कप सेवई और इसे हम ऐसे ही लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसे जो है चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सेवई जो है रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमने एक पतीले में पानी डाला है 3 कप और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून हम ऑयल डालेंगे और पानी में उबाल आने रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, पानी में उबाल आ चुकी है, तो हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट किया हुआ सेवई डाल दिए हैं और इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे सेवई जो है पक गए हैं, इस तरीके से दबाने में ईजी दब रहे हैं। इसे मैं छन्नी में छान लूँगी इस तरीके से और इसका पानी जो है मैं अलग कर दूँगी। तो इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने मिक्सर जार में एक मीडियम साइज़ की बीटरूट को कद्दूकस करके लिया है। देखिए, इस तरीके से कद्दूकस करके लिया है, तो इसका हम जो है बारीक प्यूरी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है पानी डालकर इसका जो है पेस्ट तैयार कर लिया है, देखिए। और यहाँ पर हम गैस पर एक कढ़ाई रखे हैं और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून हम मूँगफली डालेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो जब मूंगफली आधी रोस्ट हो जाएगी, तब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून कटी हुई काजू। तो यहाँ पर मैं ये काजू डाल दे रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मूंगफली और काजू को अलग से जो है भून कर डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा उपमा में क्रंची टेस्ट आता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो काजू और मूंगफली भून कर तैयार हो चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी पेन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। और जब ये चटक जाएंगे, तब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से हमने अदरक को कद्दूकस करके लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, तो इसे भी हम डाल देते हैं और हल्का गुलाबी होने तक हम इसे भी भून लेंगे। और यहाँ पर हमने 7 से 8 सूखे करी पत्ते डाले हैं, अगर आपको फ्रेश करी पत्ते मिलते हैं तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसे भी हम कुछ मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई गाजर और 1 छोटे साइज़ की 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च हमने ली है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम 1/4 कप फ्रेश हरी मटर ले रहे हैं, इसे भी हम डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, ताकि जो सब्जियाँ हैं जो जल्दी पक जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि सब्जियाँ जो है हल्की पक ना जाए। तो देखिए, इस तरीके से जो है हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और इसे हम ढककर फिर से जो है पका लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सब्जियों को पकाते हुए 3 से 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, सब्जियाँ भी हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बीटरूट का तैयार किया वो पेस्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से 3 चम्मच के जितना हम यहाँ पर पेस्ट डाल दिए हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे भी इस तरीके से चलाते हुए सब्जियों के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और जब ये भून जाएगी, तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड किए हुए सेवई। यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं और इसे भी हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जो है हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पर फ्राई किए हुए हमारे बादाम और काजू डालेंगे इस तरीके से, ऊपर से मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा जो मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। और अब हम ऊपर से कटी हुई बारीक धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे भी हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लें।
तो यहाँ पर हमारा जो है हेल्दी बीटरूट उपमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट बीटरूट उपमा की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। देखा आपने कितना मिनटों में जो है ये झटपट हमारा ये ब्रेकफास्ट जो है बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।